यूपी पुलिस ने कल रात दो एनकाउंटर किए। यूपी के ही भदोही में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के पैर में भी गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस की चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में प्रवीण नाम के एक बदमाश को पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया, जिस पर चोरी के 6 मामले दर्ज हैं। और अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए कहां है मोस्ट वांटेड विकास दुबे का।